सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसूर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 308वें दिन जारी रहा। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि सुअर पशुपालकों के आंदोलन के तहत 10 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन शिवराज की बेदर्द तानाशाह हुकूमत ने आज तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया। आज पूरे मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज रोड शो करके प्रदेश के मतदाताओं को लुभाने का काम कर रहे हैं। रीवा में भी 10 अगस्त को शहर के एकमात्र चिकनी रोड में रोड शो करने आ रहे हैं। पूरा रीवा शहर गड्ढों में तब्दील है। चुनावी वर्ष की घोषणाओं का सारा पैसा भाजपाई नुमाइंदे हजम कर गए। चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और जनता सब जानती है। आज 307वां दिन आंदोलन जारी है और रीवा शहर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं रोड शो करने के लिए चिकनी रोड में। मेरा उनसे अनुरोध है कि आप पूरे रीवा के रोडों में रोड शो करिए और कलेक्ट्रेट भी आइए। यहाँ 307 दिन से बसोर समाज गरीब तबका का आदमी आशा लगाए बैठे हुए हैं कि मुख्यमंत्री आएंगे तो हमारी कुछ समस्या हल करेंगे, हमारी समस्या सुनेंगे। लेकिन शिवराज जी कई बार यहाँ मऊगंज में आए, रीवा चौराहा में आए और सुरंग का उद्घाटन करने भी आए थे, तब भी यहाँ नहीं आए। तो क्या उनके कानों में आज तक ये आवाज़ नहीं पहुँची कि हमारा बसोर समाज जो सबसे छोटी जाति का लोग मानते हैं और सबसे गरीब समाज का लोग है, तो उनकी भी समस्या को देखें और हल करें और उनकी भी समस्या सुने। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये गरीब जनता सरकार को शिवराज सिंह चौहान को श्राप देगा और इनकी सत्ता सरकार सब चली जाएगी। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।